रीजंस पढ़ रहे हैं अपन कि जीएसटी क्यों इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, रीजंस फॉर एडॉप्शन। जीएसटी को इंडिया में लाने का क्या रीजन था, क्या कारण थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजन फॉर एडॉप्शन ऑफ जीएसटी। सिर्फ 6 से 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, ज्यादा नहीं। वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये कौन सी टैक्स होती थी? सेल्स टैक्स, मतलब विक्रय कर, केंद्रीय विक्रय कर। ये वाला जो टैक्स होता था ये ना हर स्टेट अलग अलग लगाती थी। जैसे अपना छत्तीसगढ़ है तो अपने छत्तीसगढ़ में ये अलग से लग रहा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, है ना। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगा रही है। फिर जब मैन्युफैक्चरिंग होता था तब उसका अलग से लगता था, यहाँ से दूसरे राज्य में गया तो जो मूवमेंट होता था, मतलब अगर छत्तीसगढ़ से एमपी गया सामान, अगर छत्तीसगढ़ से बिहार गया, झारखंड गया, तो हर मूवमेंट पे 2% लगता था। हर मूवमेंट पे मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव किया 2%, फिर वहां से दूसरे स्टेट गया। सपोज अगर यहाँ से अगर गुड्स जा रहा है उत्तरांचल की तरफ, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, तो जितने स्टेट से क्रॉस होके गया वो ट्रक, यहाँ जिसमें वो सामान गया, तो हर मूवमेंट पे 2-2% का वो टैक्स लग जाता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो भी जो गुड्स का प्राइस होता था क्या, वो क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। दूसरा एक कैस्केडिंग इफेक्ट बताया था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो हर स्टेट का अलग सिस्टम होता है। जो पहले सेल्स टैक्स लगता था या वेट VAT, तो हर स्टेट का अलग परसेंट, अलग रूल्स, अलग प्रोसीजर्स, डबल गुड्स आ जाते थे कभी कभी, तो इसलिए ये भी एक रीजन था उसको हटाने का। दूसरा यूरोपियन यूनियन, यूरोप में कंट्री है, कंट्री नहीं है, संघ है, उसमें कितने देश हैं? 28। अगर ब्रिटेन उसमें से बाहर आ गया तो समझो 27 होंगे। तो 28 कंट्रीज, अपना तो इंडिया एक कंट्रीज है, ऐसे 28 देश मिलके यूरोपियन यूनियन बनाया। तो उसमें सोचो कोई टैक्स नहीं है गुड्स को इधर से उधर लेके जाने के लिए, मतलब उन 28 देश में, और अपना तो इंडिया के स्टेट्स या राज्यों में ही गुड्स को लेके जाने में इतना एन नंबर ऑफ टैक्स है, जिसकी वजह से जो गुड्स का प्राइस है वो बढ़ जाता था। इसलिए वन नेशन था, एक देश है, तो बिल्कुल टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स लग रही है तो एक ही जैसी लगनी चाहिए। दूसरा मैन आवर्स, बहुत सारे मैन आवर्स, लेबर। दूसरा ट्रक आवर्स, जब अपन एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं इंडिया में, बड़े बड़े हाईवेज में, नेशनल हाईवेज में, तो वहां बहुत टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग, प्लस करप्शन का सबसे बड़ा स्पॉट वहां पे। पेपर वर्क दिखाओ, ये वर्क दिखाओ, अगर कंप्लीट नहीं है तो फाइन पे करने की वजह, लोग करप्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए भी कुछ रीजंस थे। दूसरी चीज है अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किसी गुड्स का, किसी चीज का मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उस पर टैक्स लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी चीज का उत्पादन वगैरह करना, कोई भी गुड्स जब प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे टैक्स कौन लगा रहा है? सेंट्रल, केंद्र। तो यहाँ पे स्टेट का तो लॉस है पूरा। इसके आगे जो भी चीज होंगी तो सेंट्रल को भी उसमें टैक्स लगाने का राइट नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग तक की टैक्स तो ले लिया सेंट्रल, लेकिन गुड्स अब बेचा जा रहा है इधर से उधर, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस पर तो सेंट्रल का कोई राइट ही नहीं आया। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पर टैक्स लेके बाद में सेंटर को बहुत लॉस हुआ। प्लस जो स्टेट्स हैं वो क्या करती थी, अब मूवमेंट हो रही है, गुड्स इधर से उधर जा रहे हैं, फिर परचेज हो रहा है, फिर सेल्स हो रहा है, तो इसका पूरा का पूरा पोर्शन चले जाता था स्टेट के पास, राज्य सरकार के पास। तो इसमें सेंट्रल को बहुत लॉस हो रहा था उसकी पॉलिसीज के लिए। दूसरा कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जिसमें दोनों टैक्स लगाते थे, सेंट्रल भी स्टेट भी।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जब वन नेशन वन टैक्स लगा, सीधा डायरेक्ट टैक्स का 50-50% कर दो, बात खत्म। यहां तक कोई डाउट है? मैं मेरा चितेश देखो, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, 28 कंट्रीज है, मतलब जहाँ पे लंदन, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, क्या न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सब कंट्रीज मिलके 28 देश हैं जिनको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो वहाँ पे जो गुड्स का जो मूवमेंट होता है एक स्टेट से, वो सब क्या, उनका जो लैंड लैंड से जुड़ा हुआ है, वो जमीन जुड़ी हुई है, तो उनका एक देश से दूसरे देश में जाने से क्या होता है, बाय रोडवेज जा सकते हैं। तो वहां पे भी जो गुड्स का जो मूवमेंट है टैक्स फ्री है, बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है उसमें। इवन उस कंट्री से तुम दूसरी कंट्री में चले जाओ फॉर द जॉब पर्पस, ब्रिटेन से कोई लंदन जा रहा है, लंदन से कोई नीदरलैंड जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड, तो अगर वहां पे ऐसे मूवमेंट होता है फॉर जॉब पर्पस, फॉर किसी भी पर्पस के लिए, तो वहां पे टैक्स नहीं लगता है, माइग्रेशन नहीं लगता है। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, तो गवर्नमेंट ने ये ध्यान में रखा, जब वो 28 देश फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, तो हम इंडिया तो एक देश है और उसमें राज्य ही कितने हैं, 28, तो इनमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम एक देश में एक ही टैक्स को अगर अप्लाई करते हैं तो, और फिर बाद में उस टैक्स का 50% रेशियो डिवाइड करके 50% सेंटर को दे देंगे और 50% स्टेट को दे देंगे। बस ये एक एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए किया था। क्लियर हुआ अभी? हाँ, पूछना है तो किसी को और पूछो, और किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखो। मैम ये जो मैम हाँ बोलो ना बेटा, बोलो। मैम ये जो ट्रांजैक्शंस वाला जो है 6 पॉइंट, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 50-50% ही होगा ना? अब होगा, पहले क्या होता था, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते थे जिसमें सेंट्रल भी टैक्स लगा देती थी, स्टेट भी टैक्स लगा देती थी, तो क्या हो जाता था, उससे डबल टैक्सेशन हो जाता था। तो जब डबल टैक्सेशन हो जाता था तो प्रॉब्लम हो जाती थी प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि उनका प्राइस जो गुड्स का हो जाता था क्या हो जाता था, हाई हो जाता था, प्राइस राइज हो जाता था, प्राइस बढ़ गया तो मार्केट में उनके गुड्स चलते नहीं थे। तो ऐसे कुछ कुछ ट्रांजेक्शन थे जिसमें सेंट्रल भी टैक्स लगा रही है तो स्टेट भी, तो इसको भी हटाने के लिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का रूल आया। हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या, कौन से रीजंस की वजह से हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हम जीएसटी को लेके आ रहे हैं। अब देखो, मैम 5th में जो बोले मैम, तब मैन्युफैक्चरिंग में स्टेट भी लेने लगेगा मैम टैक्स अब। अब तो एक ही टैक्स आता है, फिर उसका 50-50 कर देते हैं हम, खत्म कहानी। सपोज अगर यस 1 साल में जीएसटी का 36 से अगर टैक्स कलेक्शन हो रहा है 50,000 करोड़, ठीक, तो 25 स्टेट रखेगा, 25 सेंटर, समझ यस मैम में आया? अब कोई यस हो, मैम पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग तक का टैक्स सेंट्रल लेती थी पूरा, लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, तो पूरा टैक्स कौन लेता था, स्टेट। अब जितना भी कलेक्ट हो रहा है उसका 50-50, काम खत्म। यस मैम ठीक है, दूसरे जी, ईच स्टेट, जो हर स्टेट है उसके खुद के ही लॉज हैं, सेल्स टैक्स और वेट टैक्स को लेके, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट प्रोसीजर्स, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये रूल्स हैं, इतना इस ऑफिस में जाके ये फॉर्म जमा करना है, इधर ये करना है, तो ऐसा करके दुनिया भर का प्रोसीजर था हर स्टेट का, उसमें सेल्स टैक्स को, सेट और वैट को लेकर के। तो ये सब प्रोसीजर्स को भी हटा दिया गया, तो ये रीजंस थे जीएसटी को फॉलो करने के लिए। अब देखो, लेकिन दो एक्सेप्शंस थे जहां पे टैक्स नहीं लगा जीएसटी, बताओ कौन सा था। थर्ड नंबर क्या? थर्ड नंबर मैम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूरोपियन यूनियन बेटा एक एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट ने ये एक एग्जाम्पल दिया था पार्लियामेंट में और इसके बेस पे जीएसटी को अप्लाई किया था। एक्सेप्शन यानी अपवाद, ऐसी दो चीजें जहां जीएसटी नहीं लगा,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाँ कौन बोला ये? चितेश। बस क्लास में जितेश और एक सौम्या है मेरे ख्याल से। सौम्या ही पूछ रही है ना डाउट? मैम यस नेहा मैम। भी पूछी, नेहा तो यस मैडम बोलती है बस और नो मैडम। मैम डाउट भी पूछी, मैं कल भी पूछी थी। देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब अपन पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं तो उस पे क्या था? क्रूड ऑयल है, डीजल है, तो इस पे जीएसटी नहीं अप्लाई हुआ। दूसरा चीज अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे है ना, अल्कोहल पे इस पे मैम टर्माइन। नेचुरल गैस। हाँ वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आ गया बेटा, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, वो सब इसमें आ गया। जो हाँ टरबाइन। ये सब आ गया इसमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आ गया। और ये अल्कोहल वाला, तो ये जो अल्कोहल वाला टॉपिक है इसको बोलते हैं अपन, इस पे जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, अपना स्टेट कलेक्ट करेगी, राज्य सरकार, इसको बोलते हैं अपन। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसका नाम देंगे सीजी, एक्साइज ड्यूटी, छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क। तो हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो अल्कोहल वाले का हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि इसका टैक्स कौन कलेक्ट करती है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करेगी। इस टैक्स का नाम होता है सीजी एक्साइज ड्यूटी, छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के प्रोडक्ट्स के लिए। इसका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये सब किसके अंदर आएगा? स्टेट के अंदर आएगा, राज्य सरकार के अंदर। हर स्टेट का अलग अलग होगा। अब आगे देखो, अब इवेल्यूएशन हुआ जीएसटी सिस्टम का, समीक्षा की गई, इवेल्यूएशन ऑफ जीएसटी सिस्टम। जैसे ही उसका 1 ईयर कंप्लीट हुआ था तब उसका इवेल्यूएशन किया गया था, तो उसपे कौन सी चीजें सामने आई? पहला, पहला इम्पैक्ट इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकारी राजस्व पर प्रभाव। जिसको हिंदी का कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तुरंत पूछना, सरकारी राजस्व पर प्रभाव। जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था स्टार्टिंग के 1 ईयर में, जो कलेक्शन हुआ था वो 18% से बढ़ गया था। सुना क्या बोला मैंने? जो कलेक्शन था वो क्या हो गया? 18% से बढ़ गया। बढ़ गया। अब है ना, पहले साल में। लेकिन आगे क्या हुआ? इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है अपने पास, आने वाली थी रिपोर्ट, बट ड्यू टू पैंडमिक अभी रिपोर्ट कंप्लीट हुई नहीं। तो सरकारी राजस्व पर प्रभाव, तो जब 1 साल हो गया था 2018 में, तब इसका वो किए थे एनालिसिस। आगे देखो, लेकिन गवर्नमेंट का क्या था? अब देखो इसका ना कुछ एक डिटेल्स बता रही हूँ। स्टार्टिंग के 1 महीने में 83,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ था एस जीएसटी। लेकिन फिर जैसे जैसे लोगों को प्रोसीजर समझ में आने लगा तो वो धीरे धीरे बढ़ के कितना लगा बताओ? करोड़। 1 लाख करोड़। ठीक है, ये डेटा थी, एग्जैक्ट डेटा बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जब 18-19 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गई, ये जो डेटा थी ये दोनों 17-18 की थी। तो जब 18-19 स्टार्ट हुआ तब अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ था? देखा, देखा?
करोड़। तो ऐसे वो धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते गया। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, ईवे बिल लेके आई। जो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था ना, 50,000 के गुड्स के लिए बिल जनरेट करना नहीं है, तो ईवे बिल लेके आई कि करप्शन नहीं हो। बट क्या है ना कि इंडिया के लोग इतने दिमाग लगा देते हैं अच्छी चीजों के अलावा दूसरी चीजों में कि वो बिल ही नहीं जनरेट किया उन लोगों ने किसी भी चीज का। अब आगे का जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर, अभी डिटेल्स आई नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई में वृद्धि, जब गवर्नमेंट को लगा कि नॉन ब्रांडेड गुड्स पे तो हम टैक्स ले नहीं रहे हैं, प्लस जो डेली यूज की चीजें हैं हम उस पे सिर्फ 5% टैक्स ही ले रहे हैं, तो प्राइस कम होगा। बट लोगों के मन में इतना डर था कि उन्होंने गुड्स पे से जबरदस्ती प्राइस लगा लगा के, किसी किसी को तो समझ में ही नहीं आता था स्टार्टिंग पे क्या करते थे, उनके पास पुराना स्टॉक तो रखा हुआ था, उसमें एमआरपी तो चढ़ी हुई थी। अब जीएसटी में गवर्नमेंट ने क्लियर किया था कि एमआरपी में जो जो रेट है उस पर टैक्स जुड़ा हुआ है, लोग समझ ही नहीं पाए। पुराने स्टॉक को भी जब निकाला उन्होंने तो क्या किया, एमआरपी उसमें अगर 2400 लगी है तो उस पर और एक्स्ट्रा 10% जीएसटी ले लिया, उसके अलावा लोग सेल ही नहीं कर रहे थे। तो गुड्स का जो प्राइस था वो सडनली क्या होते गया, इंक्रीज हो गया। तो महंगाई दर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। प्राइस कम होने की वजह बढ़ते हुए चले गया, जैसे कपड़ों पे रेडीमेड कपड़ों पे 5% टैक्स लगा और फिर उसके बाद 12%, तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होते जा रही थी। दूसरे देखो जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम हो गया था, डिक्रीज इन ग्रोथ रेट। जो जीडीपी होती है किसी कंट्री की, उस पे अगर कमी आ जाती है या उसका जो ग्रोथ रेट कम हो जाता है, तो जो दूसरे कंट्रीज जो इंडिया में पैसा लगाते हैं उनका क्या होता है, इंडिया से कॉन्फिडेंस चले जाता है, तो वो अपना पैसा धीरे धीरे निकालना ही लग जाते हैं। उनको पता है कि जब इकोनॉमी डूब रही है तो अपना जीडीपी अगर गिर रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, अच्छी बात क्या होती है कि एटलीस्ट उतना मेंटेन हो और थोड़ा ग्रोथ करे। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जीडीपी कम होते जा रहा है तो जो दूसरी कंट्रीज वाले पैसे लगाते हैं वो भी अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तो ग्रोथ रेट और डबल वे में गिरने लगता है। तो डिक्रीज इन आगे देखो, जो स्मॉल एमएसएमई थे, जो स्मॉल या फिर मीडियम, जो स्मॉल और मीडियम एमएसएमई थे मतलब लघु एवं मंझले उद्योग, तो उसमें क्या है, वो लोग जीएसटी को समझ ही नहीं पाए, वो लोग उस चीज को फॉलो ही नहीं कर पाए, तो उन सबसे ज्यादा इफेक्ट उस पे पड़ा, और खास करके टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पे उनका प्रोडक्शन कम हो गया, वो लोग समझ ही नहीं पाए कैसे चीजों को एनालाइज करना है, तो इसलिए। दूसरा, जो स्मॉल ट्रेडर्स थे, छोटे व्यापारी या जो बिजनेसमैन थे, तो दूसरा जो टैक्स रेट्स थे उसमें यहां तक डाउट है किसी को? सिक्स पॉइंट देखो, जो टैक्स रेट्स थे बहुत ज्यादा थे, किस पे डिफाइन करना है किस पे नहीं, तो ये भी लोगों को प्रॉब्लम आई। कोई 0% में आ रहा था, तो कोई 0.5 में, कोई 2.5 में, कोई 3 में, कोई 8 में आ रहा था, कोई 18 में आ रहा था, तो कोई 28 में आ रहा था।
बहुत सारे स्लैब थे और ये खंड थे, मतलब 0% के अलग गुड्स, 5% के अलग, 0.5 के अलग, 2.5 के अलग, 3 के अलग, 6 के अलग, 8 के अलग, फिर हमारा किसमें फिट बैठता है, कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो जो टैक्स रेट्स थे तो उसमें जब एनालाइज हुआ तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई इसमें। दूसरा था जो बिजनेसमैन थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं था गवर्नमेंट ने, नॉट टेकन इन टू कॉन्फिडेंस द बिजनेसमैन, जैसे जो बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं उनका मीटिंग्स होता है, हर स्टेट का अलग होता है, हर शहर का अलग अलग एक बिजनेसमैन होते हैं जो उनके संघ होता है व्यापारियों का, उसमें मीटिंग होता है और गवर्नमेंट की बातें रखी जाती है जो हम तक पहुंचती भी नहीं है बहुत सारी। चलो बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को, इवैल्यूएशन एक्सेप्शंस और रीजंस में क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी अगर उसकी संरचना करें तो जीएसटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो देखो जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट, इसकी क्या हो जाएगा, राज्य के भीतर माल या सेवा की पूर्ति, ठीक है, इंट्रा स्टेट मतलब राज्य के भीतर। फिर दूसरा माल या सेवा की अंतरराज्य पूर्ति, जीएसटी ऑन इंटर स्टेट। अच्छा ये स्टेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, जीएसटी ऑन इंटर स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मीन्स राज्य के भीतर, अगर हम सीजी की बात करें तो सीजी में जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा जो हम सेंटर को देंगे उसको बोलेंगे सीजीएसटी। ये सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, यहाँ पे सी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये जो एस है इसका मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जहाँ पे स्टेट या राज्य वाला आएगा वो हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़, और ये सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा केंद्र। ये सीजी में छत्तीसगढ़ नहीं है, ये सी अलग है और जीएसटी एक साथ है। समझ में आ रहा है डिफरेंस आप लोगों को? आगे देखो ये आईजीएसटी इंटर स्टेट पे है तो वो पूरा 100% लगेगा। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? इसमें देखो सपोज जैसे गुजरात का कोई डीलर है, उसने गुड्स कहाँ भेजे, दिल्ली में, ठीक है, गुजरात का एक डीलर है उसने गुड्स कहाँ बेचे, दिल्ली में, तो ये कौन सा हुआ अंतरराज्य, क्योंकि गुड्स जो है छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली तो यूपी के अंदर आता है बट देखा जाए तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक। तो ऐसी जीएसटी पे क्या लगता है, इंटर स्टेट आईजीएसटी लगता है। क्लियर हुआ? देखो आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है ये सेंस ही नहीं है हमको, बस ये बताना है कि हम जब हम चार्ट बनाते हैं, जब हम बिल जनरेट करेंगे, देखो। और दूसरी चीज, एक चीज याद रखो, मैंने बोला जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका 50% सेंटर रखेगी, 50% स्टेट रखेगी, तो कौन कलेक्ट करता है ये वाला क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी कलेक्ट करेगा वो 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। बट ये है कि जब हम बिल जनरेट करते हैं, जब हम इनवॉइस बिल बनाते हैं, तो हम उसमें कैसे लिखेंगे, कैसे मेंशन करेंगे पेपर वर्क, अगर गुड्स स्टेट और सेंटर का बन रहा है, सॉरी अपने ही स्टेट का बन रहा है, तो हम उसको ऑलरेडी डिफाइन कर देंगे सीजीएसटी है, इतना एसजीएसटी का शेयर आएगा। लेकिन अगर उसमें कोई बिलिंग ऐसी हो रही है जो छत्तीसगढ़ से बाहर जा रही है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, आईजीएसटी से। यस सर, आया समझ में? यहाँ पे कलेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि जब हम पेपर वर्क करते हैं या जब इनवॉइस में हम शो करेंगे तो हम कैसे शो करेंगे,
मैंने तो एक चीज क्लियर कर दी स्टार्टिंग में, जो भी जीएसटी कलेक्शन होगा 50% स्टेट 50% सेंटर, तो कौन कहाँ कलेक्ट कर रहा है वो तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक हाँ, लेकिन जो दो एक्सेप्शंस बताए थे, एक पेट्रोलियम वाला और एक अल्कोहल, वहां पे बात आएगी कि कौन कहाँ कलेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में तो बात ही नहीं आनी चाहिए कि कौन कहाँ कलेक्ट कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में बस ये देखना है कि शेयर कितना है और पेपर वर्क में कैसे होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। आगे देखो, देखो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसमें कभी कभी यूजीएसटी लगेगा, ये एसजीएसटी की जगह क्यों लगेगा बताओ? यूनियन टेरिटरी का। हाँ, यूनियन टेरिटरी का यूजीएसटी से बताएंगे या यूटीजीएसटी से? अब आते हैं अपन एडॉप्शन ऑफ जीएसटी, एडॉप्शन ऑफ ड्यूअल जीएसटी। क्या होता है ड्यूअल जीएसटी?